गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आ जाएं सभी लाइव. गेट बंद कर दें. सभी को गुड आफ्टरनून. आ जाएं सभी लाइव. हमने डिसीज से रिलेटेड लगभग 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं. 3 पार्ट में हमने लगभग 82% कवर किए हैं. क्लियर है? आज हमारा पार्ट 3 पार्ट 4 है. गुड आफ्टरनून सोनार सिंह, राहुल गुड आफ्टरनून. सभी को गुड आफ्टरनून. हेलो इंदर सिंह, आ जाएं सभी लाइव. राहुल कुशवाहा मैम, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, आज हम ह्यूमन डिजीज का पार्ट 4 देखना है. आज हमारे जितने क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे जेनेटिक डिजीज से रिलेटेड रहेंगे. जो भी हमारे अनुवांशिक रोग होते हैं उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आज के. देखिए, जो जेनेटिक डिसीज है ये दो प्रकार से होती है. ठीक है, एक डिसीज क्या होती है, जो जीन में परिवर्तन के कारण होती है. किसमें परिवर्तन के कारण? जीन में परिवर्तन के कारण होने वाला अनुवांशिक रोग. जीन में परिवर्तन होने के कारण होने वाला अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? और दूसरा हमारा क्या होता है, गुणसूत्र में परिवर्तन करने पर होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो दो आधार पे हमारी जेनेटिक डिसीज होती है. एक जो होती है हमारी जीन के बेस में परिवर्तन होता है, और दूसरा हमारा किसमें होता है, गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है उसके बेस पे होने वाली डिसीज होती है. बात करते हैं हम जीन में परिवर्तन के कारण होने वाली डिसीज कौन सी हो जाएंगी. जब जीन में परिवर्तन होता है तो आपने सुना होगा हीमोफीलिया. हीमोफीलिया जो डिसीज होती है वो जीन में परिवर्तन के कारण होने वाली डिसीज होगी. दूसरा हमारा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता आपने सुना होगा, ये भी जीन में परिवर्तन के कारण होने वाली डिसीज है. तीसरा हमारा थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो डिसीज है ये भी किसके कारण होती है, जीन में परिवर्तन के कारण होने वाली डिसीज होगी. ठीक है, गुड आफ्टरनून इंद्र. बात करते हैं हम गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाली डिसीज कौन सी है. तो गुणसूत्र में परिवर्तन के आधार पर होने वाली डिसीज कौन कौन सी हो जाएंगे हमारी, पांच है. पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम. पहला हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा. दूसरी हमारी क्या है, क्लान, सॉरी इसको लिख लीजिएगा, क्लेन फैक्टर सिंड्रोम. तीसरी हमारी हो जाएगी क्या, डाउन सिंड्रोम. चौथी हमारी क्या हो जाएगी, पटाउ सिंड्रोम. और पांचवी हमारी कौन सी हो जाएगी, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगी. तो ये जो पांच डिसीज है हमारी ये किसके आधार पर होती हैं, गुणसूत्र के परिवर्तन के आधार पर ये पांच डिसीज होती हैं. इसमें से भी हम जानते हैं जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं. कितने होते हैं, 46 संख्या में होते हैं. और जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ों में ये होते हैं. क्लियर है सभी को? तो 46 किसमें डिवाइड होते हैं, 44, और दो हमारे अलग से ये होते हैं. जो हमारे 44 सूत्र होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम कहते हैं. ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं या फिर समजात कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेल में भी 22 होते हैं और फीमेल में भी 22 होते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे ऑटोसोम हो जाते हैं. बात करते हैं हमारे ये जो दो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. इससे हम डिसाइड करते हैं कि जो मेल कौन है और फीमेल कौन है. देव भूरिया जय जोहर, गुड आफ्टरनून. बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू. तो जो सेक्स होते हैं हमारे दो होते हैं. एक्स सेक्स जो होता है किसमें होती है,
फीमेल में होती है और एक्स वाई किसमें होते हैं हमारे मेल में होती है, क्लियर है। तो 44 जो हमारे हैं 44 क्रोमोसोम्स में परिवर्तन किन में होता है, ये जो हमारे तीन जो है सिंड्रोम इनमें किस में परिवर्तन होता है, हमारे ऑटोसोम में परिवर्तन होता है। और जो हमारे टर्नर सिंड्रोम और क्लेन फैक्टर सिंड्रोम है इसमें किस में परिवर्तन होता है, दो जो हमारे कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनमें परिवर्तन के कारण ये दोनों सिंड्रोम होते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को। गुणसूत्र के आधार पर ये पांच डिजीज होती है हमारी, जिनमें से डिवीजन किसका होता है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। 44 हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, समजात होते हैं, और दो जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, एक जोड़ी लिंग क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्लियर है। तो सेक्स जो क्रोमोसोम है उसमें किसमें परिवर्तन होता है, टर्नर सिंड्रोम और क्लेन फैक्टर। अभी क्वेश्चन जो आएंगे हम उनमें इसको डिटेल से देखेंगे, क्लियर। अभी सिर्फ मैं आपको एक व्यू दे रही हूँ कि कितने प्रकार के ये होते हैं, इतना क्लियर है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा, सभी आंसर करेंगे और फास्ट करेंगे सभी। निम्न में से कौन हाथी पाव का रोगाड़ू है, हाथी पाव का रोगाड़ू कौन सा है आपको ये बताना है, राउंड वार्म, मॉस्किटो, बैक्टीरियम या फिर प्रोटोजोन, बताए कौन सा होगा हाथी पाव का रोगाड़ू कौन सा है, बताए पैंथोजन बताना है आपको कि रोगाणु कौन सा है जिससे ये उत्पन्न होता है, जिसमें बीमारी जो बीमारी को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैंथोजन कहते हैं या फिर रोगाणु कहते हैं, बताएं हाथी पाव का कौन होता है। देखिए जो हमारा राउंड वर्म होता है ये किस फैमिली में आता है, एसके हेलमिंथस फैमिली का है। ये सब हमने किसमें देखा था, एनिमल किंगडम में हम देख चुके थे। प्रोटोजोन से होने वाली है देवू जी, हाथी पाव एक हेलमिंथस है, हेलमिंथस डिसीज होगी, है कैसी होगी, हेलमिंथस डिसीज है, क्लियर है, कैसी है ये हेलमिंथस डिसीज है। तो बताएं किससे होगी, ये एक गोल क्रमी है ये जो एसके हेलमिंथस श्रेणी में आता है, जो कि किसमें आता है, निमेटोडा में आता है, ठीक है। और ये किससे फैलती है हमारी, मॉस्किटो से फैलती है, मॉस्किटो इसका क्या वाहक हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, मॉस्किटो इसका क्या होगा, वेक्टर होगा। आपसे पूछा गया है रोगाणु कौन है जो रोग को उत्पन्न करता है, तो रोग को उत्पन्न कौन करेगा, राउंड वार्म करता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। और जो मच्छर होता है वाहक, उस मच्छर का नाम क्या है, उस मच्छर का नाम क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है, ये कौन सा होगा हमारा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हो जाएगा, क्लियर है सभी को, बताए। और ये किससे होता है, किस जीन से होता है और कौन सी स्पीसीज होती है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, बुचेरिया ब्रैंकियो, कौन सी हो जाएगी, बुचेरिया ब्रैंकियो फाइट, अच्छे से लिख लेती हूं मैं, ब्रैंकॉफ्टी। तो बुचेरिया इसका क्या है, जीन है, और क्रॉफ्टी इसकी क्या है, स्पीसीज हो जाएगी, क्लियर है। चलिए वेक्टर मॉस्किटो, बिल्कुल सही, वाहक हमारा क्या होगा, मॉस्किटो होगा, उस मॉस्किटो का नाम क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, और इसके जो जीन है कौन से होंगे, बुचेरिया ब्रैंकॉफ्टी हो जाएगा इसका क्या जीन, और उसकी स्पीसीज हो जाएगी, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोल क्रमी होगा, ए नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और वेक्टर की हम बात करते, यदि क्वेश्चन में पूछा होता है कि इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक कौन है, मच्छर है, क्यूलेक्स नाम का मच्छर होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाथी पाव प्रभावित करता है लसिका सिम्पसन को, नर्वस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, या फिर स्केलेटन सिस्टम को, बताए जो हमारा हाथी पाव हो किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, बताए। चौहान भी सही इतने नहीं आया, बताए आंसर करें, इसका क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, हाथी पाव जो है किसको प्रभावित करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, नहीं तंत्रिका तंत्र नहीं होगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगा, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, इसका लसिका होगा। इसमें लसिका जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैर है इसमें क्या जाती है, स्वेलिंग आती है, फूल जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर सही कर लीजिएगा आप, लिम्फेटिक सिस्टम होगा। विच एरिया देन प्रॉफ्टी का रोगाणु है, बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फाइलेरिया में, बताइए बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का रोगाणु कौन सा है, रिंगवार्म, फाइलेरिया, स्कैरियसी, एथलीट फुट, बताए कौन सा होगा। किसका हो जाएगा बताएं, आपसे पूछा गया है रोगाणु, पैंथोजन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा बताएं। इसका रोगाणु हो जाएगा, ये फाइलेरिया का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइलेरिया का रोगाणु हो जाएगा। यदि ऑप्शन में आपके फाइलेरिया ना देके रिंगवॉर्म दिया होता, रिंगवॉर्म भी दिया होता, फाइलेरिया नहीं दिया होता, आप क्या टिक करते, रिंगवॉर्म टिक करते। क्लियर है, एस्कैरिसिस नहीं होगा, ये जो एस्कैरिसिस आप बता रहे हैं ये नहीं होगा। ठीक है, बेबू जी सी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, फाइलेरिया होगा। क्लियर है मैम, एक बार लेथेटिक सिस्टम नहीं आया था तो तंत्रिका तंत्र सही होगा ना। हाँ, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आप प्रेफरेंस देंगे उसको, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस देंगे, यदि एक ऑप्शन नहीं है तो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथी पाव बीमारी को फैलाते हैं, एडिल मच्छर, चूलेक्स मच्छर, एनाफिलीज मच्छर या फिर हाउस फ्लाई। हाथी पाव को कौन से मॉस्किटो बढ़ाते हैं, बीमारी मॉस्किटो बढ़ाते हैं, कौन सा मच्छर होगा हमारा बताए, कौन सा मच्छर होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मच्छर से होता है फीमेल, वो भी किससे, क्यूलेक्स मच्छर से होता है, किससे होगा हमारा, क्यूलेक्स मच्छर से होगा। बीस का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। डिप्लोपिया या डबल विजन की बीमारी है आपकी, कान की, लीवर की या फिर किडनी की। डिप्लोपिया, डाई इसमें वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, डाई वर्ड हो रहा है, आ रहा है मतलब दो, मतलब इसमें क्या होगा हमारा, डिप्लोपिया में क्या हो जाएगा आपका, डिप्लोपिया में ये हो जाएगा आपका कि जो भी चीजें हैं आपको कैसी दिखाई देंगी, दो दिखाई देंगी, कैसी दिखाई देंगी, दो चीजें दिखाई देंगी, उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोपिया या फिर डबल विजन की बीमारी कहते हैं, जिसमें आपको एक वस्तु कैसी दिखाई देती है, डबल दिखाई देती है, उसे हम डिप्लोपिया कहते हैं। और ये किसकी बीमारी हो जाएगी, बॉडी के किस पार्ट की बीमारी हो जाएगी, तो ये बीमारी किसकी, किससे रिलेटेड हो जाएगी, आंख से रिलेटेड हो जाएगी, आई से रिलेटेड ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही अंजलि। प्रदीप जी आप डी कैसे दे रहे हैं, किडनी की कैसे, किडनी से आप देखते हैं क्या, तो ये बीमारी किसकी हो जाएगी, हमारी आंख की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा विषाणु राइनो वायरस मनुष्यों में के कारक हैं, जो राइनो वायरस है मनुष्यों के कारक कौन से हैं, टीबी, कॉमन कोल्ड, ईचिंग या फिर टाइफाइड। राइनो वायरस बताएं किससे होगा, टीबी तो पता है आपको किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा। ईचिंग किससे होगा, दांत खाज खुजली, ये कैसे होता है ना, रिंगवॉर्म हो जाएगा। टाइफाइड, टाइफी से हो जाएगा हमारा, साल्मोनेला टाइफी से हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा लास्ट में, कॉमन कोल्ड। तो राइनो वायरस मनुष्य में क्या उत्पन्न करता है, सामान्य जुकाम या फिर कॉमन कोल्ड, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो लंग्स है वो इफेक्ट नहीं होता, वो रेस्पिरेशन का ऊपरी भाग जो होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, लंग्स इससे अफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा विषाणु प्रभावित करता है, राइनो वायरस अफेक्ट फेफड़े को, नाक को, श्वसन पथ को या फिर बी और सी दोनों को, किसको प्रभावित करता है बताएं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था किसको प्रभावित नहीं करता है और किसको प्रभावित करता है, तो बताएं किसको प्रभावित करेगा।
मैंने अभी जस्ट आपको बताया था किसको प्रोवाइड नहीं करता है ये, लंग्स को अफेक्ट नहीं डालता है ये राइनो वायरस जो है, इससे लंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे प्रभाव पड़ेगा? आपके नोज पे पड़ेगा और रेस्पिरेटरी पे पड़ेगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऊपरी वाला भाग है उस पे अफेक्ट डालता है ये, लंग्स पे नहीं डालेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? नोज में भी डालेगा और रेस्पिरेटरी में भी डालेगा, लंग्स में बस नहीं डालेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के वाहक है, हाउस फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ, घरेलू मक्खी किसकी वाहक है बताएं? हाथी पांव की है, अभिवता या फिर एमोबिक ड्रेस्टनी, मलेरिया या फिर न्यूमोनिया, बताएं किसकी वाहक होगी घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। हाथी पांव तो आपको पता है किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम, न्यूमोनिया न्यूमोनी हो गया हमारा डिप्लोकोसिस न्यूमोनी। तो बचा क्या हमारा? एमोबिक एनएसटी या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? पेचिस भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पेचिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला एमोबिक डाइसेंट्री हो जाएगा। क्लियर है? बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइनो वायरस अफेक्ट्स, ये तो हो गया है ना, 91 देखते हैं। निम्न में से कौन एक वायुवाहित बीमारी है? Which of the following is an airborne disease? मैंने आपको बताया था कि जो एयरबॉर्न डिसीज है हमारी वो कौन कौन सी है, टाइफाइड, न्यूमोनिया, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। पांच डिसीज हमारी किससे थी? हमारी एयरबॉर्न से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? एयरबॉर्न से रिलेटेड हमारी पांच डिसीज मैंने आपको बताई थी। पहली कौन सी थी बताया? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, तीन ये हो गई, डीपीटी। चौथी हमारी क्या हो जाएगी? लेप्रोसी। और पांचवी हमारी क्या हो जाएगी? न्यूमोनिया हो जाएगा। पांचवा हमारे क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया हो जाएगा। ये पांच जो डिसीज है कैसी है? ये पांचों की पांचों एयरबॉर्न डिसीज है। ये पांचों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके साथ पूछ लिया गया है कि एयरबॉर्न डिसीज कौन सी है, तो आप क्या आंसर करोगे? निमोनिया एक एयरबॉर्न डिसीज होगी। और अदर कौन कौन सी है? डीपीटी याद रखिएगा आप, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज हो जाएंगी हमारी। तो ये किससे होंगी हमारी? एयरबॉर्न डिसीज होंगी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और न्यूमोनिया। ये पांचों पांचों की पांचों कैसी है? एयरबॉर्न डिसीज हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गैम्बेसिया या फिर हिंदी में गम्बूजिया इसे बोलेंगे, मछली को खाती है। जो गैम्बेसिया मछली है वो किसको खाती है? गुड आफ्टरनून सनाया खान। मेढक के लार्वा को, मच्छर के लार्वा को, जलीय पादप को या फिर हाउस फ्लाई को। ये बीच में क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया भी था, जो गैम्बियस गैम्बियस जो फिश है वो किसको खाती है बताएं? किसको खाती है? कायवास से बहुत गलत हो रहे हैं क्या? कायवास से क्या बोल रहे हैं देवू? ए बिल्कुल सही। ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए जो गैम्बियस फिश है वो पानी के अंदर रहती है और ये मच्छर के लार्वा को खाती है, जिससे वहां पे मच्छर जो है नहीं डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही सनाया, जिन्होंने ए दिया बिल्कुल सही होगा। देवू, अंजलि जी आप सी दे रही हैं, ए इसका क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस बीमारी को पूरी दुनिया से उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है बताएं? मलेरिया को, तपेदिक को, स्मॉल पॉक्स को या फिर पोलियो को। किस बीमारी को खत्म कर दिया गया है बताएं? बताएं स्मॉल पॉक्स किसको? स्मॉल पॉक्स को क्या कर दिया गया है? पूरी दुनिया में उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल पॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया कैसे हो जाएगा इसका? क्या होगा? स्मॉल पॉक्स होगा। सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए सनाया खान दे रही है पोलियो। पोलियो भी है, सबसे पहले किसका हुआ था? चेचक का, स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स आप यहाँ पे टिक करोगे,
एड्स का सबसे पहले पता चला था, किस सन में एड्स का पता चला था सबसे पहले बताएं, एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का हुआ था, फिर पोलियो का हुआ था, ठीक है। सेकेंडरी पोलियो भी, हाँ पोलियो भी खत्म हो गया है, लेकिन सबसे पहले की बात करें हम, हाँ सबसे पहले पूछा गया है तो क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल पॉक्स होगा। इसका करें आंसर, एड्स का सबसे पहले में पता चला था 1981 में, 1982 में, 1983 में या फिर 1986 में, कब पता चला था बताएं, बताएं 1982। इसमें से एड्स का सबसे पहले पता कब चला था, 1981 में पता चला था, वो भी कहां, यूएसए में सबसे पहले आया था ये केस, इसका एड्स का, ठीक है। एड्स की हम बात करते हैं तो ये किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है हमारा, ये एचआईवी से होता है। और इस एचआईवी में कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। कौन सा वायरस होगा हमारा, रेट्रो वायरस होता है इसमें। इसके फुल फॉर्म बताइए आप सभी, एड्स का भी और एचआईवी का भी फुल फॉर्म बताएं कमेंट में, सभी लिख के बताएं एचआईवी का और एड्स का फुल फॉर्म बताएं। एचआईवी में क्या सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। इसका फुल फॉर्म बताएं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो एचआईवी में वायरस कौन सा होगा तो रेट्रो वायरस होगा। और इसमें क्या होता है हमारा, एसआरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ये मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से मिला क्या होता है, ये बनता है। और इसमें क्या क्या उपस्थित होता है बताएं, ये किससे किससे मिलकर बना होता है, जो आरएनए है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये चार चीजों से मिलकर बना होता है, लिख लीजिएगा। पहला हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये लिपिड से। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। फिर किससे मिलकर बना होता है, ये एंजाइम प्लस आरएनए, एंजाइम प्लस आरएनए, इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, एसएसआरएनए बनता है, ठीक है। अच्छा बताइए, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिलकर बना होता है बताएं, ये किससे मिलकर बना होगा, तो ये बना होगा किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है प्लस प्रोटीन से मिलकर ये बनता है। एंजाइम में कौन से होते हैं, एंजाइम का नाम बताएं कौन सा होगा इसमें एंजाइम, तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम इसमें होता है। अच्छा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो होता है जो आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है, और जो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स उसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। इतनी इससे रिलेटेड चीजें हैं, मैंने आपसे पूछा था इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म तो हालांकि सबको पता होगा, एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। एचआईवी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही अंजलि, बट थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। एचआईवी का बताएं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, याद रखिएगा इसमें डेफिशियंसी भी है, आई का मतलब इम्यूनो बस नहीं है, उसके साथ डेफिशियंसी भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके वायरस का नाम क्या है, रेट्रो वायरस है। और ये किससे बना होता है, एसएसआरएनए से मिलकर बना होता है। एसएसआरएनए में क्या क्या होता है हमारा, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, और क्या होगा, एंजाइम होगा हमारा, और क्या हो जाएगा हमारा, एंजाइम और आरएनए हो जाएगा, ये चार चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट रहती हैं। देखिए जो एचआईवी है ये किस पे अटैक करता है, एचआईवी बॉडी के किस पार्ट पर अटैक करता है, तो ये बॉडी के किस में अटैक करता है, टी सेल जो होती है हमारी, टी लिम्फोसाइट बोल दीजिए चाहे टी सेल बोल दीजिए, ये हमारे डब्ल्यूबीसी का भाग होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक टी होती है और एक हमारी क्या होती है, बी होती है। बी सेल होता है हमारा एक,
और एक क्या होता है हमारा टी सेल होता है, जो टी सेल है वो बी सेल को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और बी सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन सा सेल करता है, हमारा बी लिम्फोसाइट या फिर बी सेल करता है। ठीक है, तो जब एचआईवी आपको होगा तो ये टी सेल पे अटैक करेगा और टी सेल जो है बी सेल बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो जब टी सेल को ये मतलब नुकसान पहुंचाएगा तो हमारे एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं बन पाएंगी, तो इससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, उससे पीड़ित हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। 1981 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु किस समूह में आता है, राइनो वायरस, रेट्रो वायरस, कोरोना कोरोना वायरस या फिर रेडो वायरस। एड्स विषाणु किस समूह में आएगा, आपको ये बताना है किस समूह में आएगा एड्स विषाणु, बताए। आंसर करें, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका आंसर करें। एड्स विषाणु, अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या कंफ्यूजन है, अभी जस्ट मैंने बताया एड्स का कौन सा वायरस से होता है, हमारा एचआईवी। और एचआईवी में कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। बिल्कुल सही सुनाया, क्या हो जाएगा हमारा, रेट्रो वायरस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी नहीं होगा प्रदीप, रेडो वायरस है ये, रेडो वायरस है। और एचआईवी में कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। 9 बजे वाली क्लास, क्या बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है, अनुवांशिक बीमारी कौन सी नहीं है आपको ये बताना है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैंसर, कौन सी बीमारी डाउन सिंड्रोम की नहीं है बता। बता, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही निधि देवू। चलिए, कैंसर हमारी क्या है, जेनेटिक डिसीज नहीं होगी। और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जीन से होने वाली है और कौन सी क्रोमोसोम से होने वाली डिसीज है। जीन से होने वाली डिसीज कौन सी है, जीन से जो गुणसूत्र में परिवर्तन, मतलब जीन में परिवर्तन के कारण जो अनुवांशिक रोग होता है वो कौन सा है, और गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो अनुवांशिक रोग है वो कौन सा होगा। इसका डी आंसर सही है। देखिए, जो हीमोफीलिया है ये किसके कारण होती है, जीन में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी, जीन में परिवर्तन के कारण जो बीमारी होती है, जो अनुवांशिक रोग होता है वो हमारा क्या, हीमोफीलिया है। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम है ये गुणसूत्र में, गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाला अनुवांशिक रोग हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम की, तो इसमें किस क्रोमोसोम में चेंज आता है, क्रोमोसोम से डाउन। अच्छा देखिए, बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो क्या होता है, चेंज होता है। और डाउन सिंड्रोम में बीमारी कौन सी होती है बताएं, बीमारी कौन सी हो जाएगी डाउन सिंड्रोम में बताएं, इसमें जो जैसे कि सर बड़ा हो जाएगा, नाक चपटी हो जाएगी, जैसे फेस में इसमें इफेक्ट पड़ता है। और इसमें कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट डालता है, 21 नंबर का क्रोमोसोम इफेक्ट डालता है। और ये जो है किसमें आएगा हमारा, ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें चेंजेस के कारण होता है। तो ये 44 संख्या में है और जोड़े में कितने होंगे, 22 जोड़े होंगे, तो चेंजेस भी किसमें आएगा, 1 से 22 तक के क्रोमोसोम में चेंजेस आएंगे। तो ये किस नंबर में आएगा, 21 नंबर वाले क्रोमोसोम में चेंज आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही देवी देवू, सॉरी देवू। तो इसका 21 नंबर के क्रोमोसोम में चेंज आ जाएगा। बात करते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम की, तो एडवर्ड सिंड्रोम में किस में चेंजेस आएगा, ई मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 18th नंबर के
जो क्रोमोसोम होंगे उसमें चेंज किस में आएगा हमारा, ये एडवर्ड सिंड्रोम में आएगा। और इसमें क्या होता है बताए, इसमें जो होती है जो फिंगर्स होती है हमारी वो क्या होंगी, एक के ऊपर क्या हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी, उसके डबलिंग हो जाएगी, फिंगर्स की क्या हो जाती है, डबलिंग हो जाती है। ठीक है, तो जो 18th नंबर का क्रोमोसोम है वो एडवर्ड सिंड्रोम में चेंजेस लाने के कारण होता है। 18th क्रोमोसोम में आप चेंज लाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, जो फिंगर्स होंगी वो क्या होंगी, डबलिंग हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, चिपक जाएंगी। इसे ऐसे याद रखते हैं, जो इलेक्शन वोटिंग की एज क्या होती है इलेक्शन में, 18 ईयर होती है, तो 18 ईयर में एडवर्ड का आ जाएगा। ठीक है, डाउ डी इसमें 21 नंबर के क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, तो 21 ईयर में लगभग आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब डिग्री मिल जाती है, तो डी से आप डिग्री को याद रखेंगे, डिग्री 21 ईयर में कंप्लीट होती है और इलेक्शन में वोट आप 18 ईयर में देते हो, तो इससे आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसमें हमने जो दो गुणसूत्र, गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाला अनुवांशिक रोग है, इनमें दो हमने कवर कर लिए हैं। और ये दोनों के दोनों किसमें चेंजेस लाएंगे, सेक्स हार्मोन में चेंज लाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम में चेंज लाएंगे या फिर ऑटोसोम में चेंज लाएंगे, बताएं, समझ में आ रहा है, 5 की जगह 6 या 7 हो जाती है। सान, सान क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 में ये डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, 44 जो हमारे क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, और 2 हमारे क्या होंगे, सेक्स होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है, तो चेंजेस किस में आएगा, 44 क्रोमोसोम में चेंज आएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, बराबर संख्या में होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी सारे नष्ट करता है, मोनोसाइट, न्यूट्रोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर बेसोफिल्स को, एड्स का जो विषाणु है किसको नष्ट करता है, बताएं किसको नष्ट करता है एड्स का विषाणु, बताएं एड्स का विषाणु किसको नष्ट करता है, क्या हो जाएगा बताएं, ऑनलाइन वाले भी आंसर करें, एड्स का विषाणु किसको नष्ट करता है बताएं, मोनोसाइट को, न्यूट्रोसाइट को, बेसोफिल को, ये सभी जो है WBC के टाइप्स होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मोनोसाइट, सनाया खान दे रही है मोनोसाइट, प्रतीक जी दे रहे हैं सी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पूरी डिटेल, जो एड्स है किस वायरस से होती है, HIV से होती है, HIV में भी किससे, रेट्रोवायरस से होती है। ठीक है, इसमें RNA कौन सा होता है, SRNA होता है, SSRNA में क्या होता है हमारा, लिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंजाइम होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, एंजाइम और एक कौन होता है हमारा, RNA होता है। अब ये जो है किसको नष्ट, किस पे अटैक करता है, HIV किस पे अटैक करता है, टी सेल पे करता है, टी सेल बोल दीजिए आप, चाहे इसे क्या बोल दीजिए, टी लिम्फोसाइट बोल दीजिए, या फिर इसे क्या बोल दीजिए आप, टी लिम्फोसाइट बोल दीजिए। और लिम्फोसाइट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, या फिर इसे टी सेल भी बोल सकते हो, बी सेल भी आप बोल सकते हो। तो किसको, किस पे अटैक करता था, ये टी सेल पे करता था, टी लिम्फोसाइट पे करता था, तो इसका किसको नष्ट करेगा, ये लिम्फोसाइट को करेगा, क्योंकि टी जो है हमारा किसका प्रकार है, लिम्फोसाइट का प्रकार है। तो जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही होगा उनका आंसर, बिल्कुल सही अंजलि, उल्लू, सी, सी। निम्न में से कौन कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, बेंजीन, आर्सेनिक, निकल या फिर ऑल ऑफ दीज, बताएं कौन एक कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, कार्सिनोजेनिक किसे कहते हैं, पहले सी किया था पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं सुनाया, अब क्लियर हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब कि गलती हो जाए फिर उसके बाद क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको बताएं आप, निम्न में से कौन कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जो कैंसर को जन्म देते हैं, किसको जन्म देते हैं, कैंसर को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कैंसर को जो जन्म देते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहते हैं।
इनमें कौन कौन सा होगा हमारा, बेंजीन, आर्सेनिक, निकल, तीनों ही तीनों तीनों के तीनों होंगे, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देवू, यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर होगा। क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। पहले आपने सही दिया था डी, डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर को जन्म देने वाले पदार्थ तीनों ही हैं, अलग अलग प्रकार से इफेक्ट डालते हैं तीनों पदार्थ, तीनों ही पदार्थ में से कोई एक होगा तो वो कैंसर को क्या करेगा, जन्म दे देगा। मेनिनजाइटिस अफेक्ट्स, मेनिनजाइटिस जो है किसको अफेक्ट डालता है पता, ब्रेथ को, लीवर को, हार्ट को, ये तो पता होगा बहुत इजी है। जो मेनिनजाइटिस है किसमें होता है, हमारे ब्रेन में होने वाली डिसीज होगी इसमें, ठीक है, किसमें होती है ये, ब्रेन में होने वाली डिसीज होगी। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है, किसकी असामान्य वृद्धि से ल्यूकेमिया हो जाता है बताएं, या फिर ब्लड कैंसर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर ब्लड प्लाज्मा, बताएं किससे होगा। ल्यूकेमिया बताएं किसकी असमान वृद्धि से हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बिल्कुल सही, जो ल्यूकेमिया है वो डब्ल्यूबीसी की असमान वृद्धि से क्या हो जाता है हमारा, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में जब वृद्धि कंटिन्यूअसली होगी, ज्यादा फास्ट होगी, तो हमें क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। केमिया जहां आएगा वो वृद्धि की वजह से, और फिर जहां पे आता है वो कमी की वजह से। निम्न में से कौन जल जनित बीमारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिसीज, मधुमेह, हैजा, छोटी माथा या फिर मलेरिया, कौन सी जल जनित बीमारी होगी बताएं। बिल्कुल सही, ये क्या होंगी हमारी, हैजा हो जाएगा, ये तो हालांकि बहुत बार आ चुका है इसको, ज्यादा हैजा क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है, कैंसर, मधुमेह, हीमोफीलिया या फिर एड्स, कौन सा एक संक्रामक रोग होगा बता, इन्फेक्शियस डिसीज या फिर इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज, जो कांटेक्ट में आने से क्या होती है, फैलती हैं, वो कौन सी हो जाएगी बता। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा हमारा, एड्स हो जाएगा। एड्स के बारे में आप सभी जान चुके हो, ठीक है, मारो गलत, कोलेरा, अच्छा गलत हो गया, 1981 में सबसे पहले कहाँ आया था, यूएसए में आया था, बाकी ये वायरस वायरस सब कर चुके हैं इसको बहुत अच्छे से, तो अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से कौन जल जनित बीमारी है, ये हो गया, एक दो आ गए होंगे। निम्न में से कौन एक प्रकार का कैंसर नहीं है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का कैंसर नहीं है, मेसोथेलमिया, ल्यूकेमिया, हिपेटोमा, ट्राइकोमा, बताए, आप इसको एलिमिनेट एक जानते होगे तो आप क्लियरली कर लोगे, आप इसको बताओ कौन सी हो जाएगी। कैंसर नहीं है तो आपको पता है जो ट्राइकोमा है ये कौन सी बीमारी है, आंख में होने वाली डिसीज है, इसमें आंख में होने वाली डिसीज हो जाएगी ये। मेसोथेलमिया है, इसमें क्या हो जाएगा, तो जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के कवर में जो कैंसर होता है उसे हम क्या कहेंगे, मेसोथेलमिया कहते हैं, ठीक है। हिपेटोमा नहीं होगा, हिपेटोमा कहाँ होता है बताएं, हिपेटोमा के बारे में आपको आइडिया तो बताएं, जो लीवर में कैंसर होता है, लीवर में जब कैंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिपेटोमा बोलते हैं। ल्यूकेमिया हमने देखा था, डब्ल्यूबीसी में असमान वृद्धि जब होने लगती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है वहां, या फिर ब्लड कैंसर, अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन आया था आपने देखा था, ल्यूकेमिया क्या, डब्ल्यूबीसी में असामान्य मात्रा में वृद्धि होने से ब्लड कैंसर या फिर क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। पुरिया जी आप सी कैसे दे, वो आप सी कैसे दे सकते हैं, हिपेटोमा जो है वो क्या है, लीवर में जो कैंसर होता है उसे हम क्या कहेंगे, हिपेटोमा कहेंगे। आपको पता होगा जो इसकी कोशिका जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, हिपेटिक सेल से बनी होती है, किससे बनी होती है, हिपेटिक सेल से इसकी मसल्स बनी हुई होती हैं, तो हिपेटोमा लीवर में होने वाला कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर कौन सा नहीं है, ट्रैकोमा है, जो आंख से आंख में होने वाली बीमारी है जिसे हम ट्रैकोमा बोलते हैं।
ठीक है, लीवर में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ट्रैकोमा हो जाएगा। मेसोथेलियम टिश्यू के कवर में जो कैंसर होता है, जो टिश्यू को ढके हुए रहते हैं, उनमें जब कैंसर हो जाता है उसे हम मेसोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें असमानता, कैंसर इज अ डिजीज इन विच एबनॉर्मल टेक्स प्लेस, इसके कारण मतलब वो असमानता फैलता जाता है, कोशिका विभाजन, सेल इन्फ्लेमेशन या फिर सेल डिफॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दिस। असमानता क्या होता है, चेंजेस होता है बता, अबनॉर्मल टेक्स प्लेस किसकी वजह से ये होता है, क्या है मैम जी, दिमाग नहीं चल रहा, कोई बात नहीं सुनाया, विकृति, विकृति क्या है देवू बताएं। देखिए सेल में जब डिवीजन होता है तो इसमें क्या होता है, असमानता क्या होता है, चेंजेस आता रहता है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेल डिवीजन हो जाएगा, जितनी ज्यादा सेल में वृद्धि होगी, जितना ज्यादा सेल का डिवीजन होगा उतनी संख्या में उसका डिवीजन होने से उसकी वृद्धि होगी, तो उसकी क्या हो जाती है, गांठें बन जाती हैं और वो किसका रूप ले लेती हैं, कैंसर का रूप ले लेती हैं। हाँ वो किसका रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती है, सूजन नहीं होती उसमें, इन्फ्लेमेशन नहीं होता। आपने सुना होगा जैसे ब्लड, जैसे कि मान लीजिए सेल के डिवीजन में असमान वृद्धि हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है तो वो संख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो गांठ बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गांठ बन जाएंगी और वो किसका रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सेल डिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल सही मीना, सनाया खान चुप रहेंगे, एलिसा टेस्ट किसकी पुष्टि करता है, एलिसा टेस्ट किसकी पुष्टि करता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग चेक करके लिखिएगा, ठीक है, एलिसा का किसका हो जाएगा बताए, एलिसा टेस्ट किसमें होता है बताए, एलिसा का टेस्ट किसमें होता है, पता होना चाहिए ना, बहुत फेमस, किसमें होता है, एड्स, एड्स के चेकअप के लिए हम कौन सा कराते हैं, एलिसा कराते हैं, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो या निगेटिव, क्लियर है। कैंसर के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बायो, बायोप्सी या फिर एक्सरे, कैंसर के निदान के लिए कौन सा ट्रीटमेंट चेकअप आप कराते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट, ऐसे बिल्कुल सही, याद रखिएगा आप एलिसा का फुल फॉर्म बताएं। देखिए जो कैंसर का ट्रीटमेंट कराने क्या किया जाता है, बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी में क्या होता है, आपकी बॉडी से एक टिश्यू निकाला जाता है और उसका उसमें वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट आती है तो आपको पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बायोप्सी हो जाएगा। कैंसर के निदान के लिए कौन सा चेकअप कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं टिश्यू निकाल के बॉडी से, ठीक है। निम्न में से कौन ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कार्य करता है, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, टीबी के विरुद्ध कार्य कौन सा करता है बता, टीबी के विरुद्ध कार्य करने वाला कौन सा है इनमें से बताएं। हाँ लास्ट वाले का हमारा सी नंबर था शायद, बायोप्सी सी में था ना, जिसमें भी बायोप्सी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बताएं इसका। निम्न में से कौन ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कार्य करता है, सी स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन जो है ये ट्यूबरकुलोसिस के क्या करता है, विरुद्ध कार्य करता है। यदि मान लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिटिन ना हो ऑप्शन में
तो आप किसको टिक करोगे? पेनिसिलिन को टिक करोगे। किसको टिक करोगे? आप पेनिसिलिन को टिक करोगे। और यदि दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो आप प्रेफरेंस फर्स्टली किसको दोगे? स्ट्रेप्टोमाइसिटिन को दोगे, और सेकंड में आप किसको दोगे? पेनिसिलिन को दोगे। यदि दोनों दिया हो तो आप ए और बी करके ऑप्शन दिया तो दोनों को कर दोगे। क्लियर है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यदि डी नहीं दिया होता तब आप उसको क्या करते? ए को टिक करते, पेनिसिलिन को। यदि दोनों दिया है तो प्रेफरेंस किसको दोगे? सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिटिन को प्रेफरेंस दोगे आप, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, सत्रह क्वेश्चन आएंगे। अच्छा लगता है कितने ही कुछ, हाँ इतने कुछ, कुछ चीजें बच गई हैं तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ ना। अभी डिसीजन मैंने दो सिंड्रोम तो हमने पढ़ लिए थे, कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम हो गया था हमारा। ठीक है, बचे क्या हमारे? तीन और बचे थे जो हमारे क्वेश्चन नहीं आ पाए, तो मैं उसको डिटेल बता देती हूँ आपको। एक हमारा क्या था? टर्नर सिंड्रोम। दूसरा हमारा क्लीन फैक्टर सिंड्रोम। और तीसरा हमारा क्या है? पटाओ सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें से टर्नर और क्लीन फैक्टर ये दोनों जो सिंड्रोम है हमारे, ये दोनों कैसे हैं? 46 क्रोमोसोम में से 44 हमारे क्या थे? ऑटोजोम्स थे, और दो हमारे सेक्स थे। तो इन दोनों में किसमें चेंज आता है? इन दो में आता है, सेक्स में चेंज आता है। और सेक्स में हमारे कौन कौन से थे? एक्स सेक्स फीमेल थी हमारी, और एक्स वाई हमारा क्या है? मेल है। तो चेंजेस किसमें आएंगे ये दोनों में? इन दोनों में चेंजेस आएंगे। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये किसमें होता है? टर्नर सिंड्रोम जो डिजीज होती है हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? फीमेल में होती है। ओनली किसमें होगी हमारी? फीमेल में ये होती है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोसोम होंगे। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कैसी होती है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। एक जो 46 गुणसूत्र होते हैं उससे एक क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती है, 45 हो जाती है। कैसे? एक हमारा क्या होगा? 44 प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एक्स जीरो। मतलब इसमें जो एक एक्स है वो क्या होगा? मिसिंग हुआ। एक एक्स क्या हो जाएगा? मिसिंग हो जाएगा। तो टोटल इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45 होते हैं। और बाकी जितने हैं सब में कितने होते हैं? 47 होते हैं। कितने होते हैं बाकी सब में? 47 होते हैं। इसमें 45 होते हैं। और इसमें टर्नर सिंड्रोम होने से लड़कियों में क्या बीमारी होती है? क्या आता है? इनफर्टिलिटी आती है। क्या आती है? इनफर्टिलिटी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? बांझपन, वो आता है। ठीक है, बात करते हैं क्लीन फैक्टर। ये किसमें होती है? ओनली मेल में होने वाली डिसीज है। किसमें होती है? ये ओनली मेल में होती है। और इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे? 44 होंगे और दूसरे में हमारे क्या हो जाएगा? एक वाई और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44 प्लस 3, टोटल ये 47 क्रोमोसोम इनमें हो जाएंगे। और जिनमें ये होता है उनमें पुरुषों में कौन सी बीमारी हो जाती है? स्टरलिटी, या फिर क्या कहते हैं? नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाएगी? नपुंसकता की बीमारी हो जाएगी। ऑटोसोम की बात करते हैं तो इस ये जो है हमारा कैसा है? ऑटोसोम में इसके चेंज आएगा, तो इसमें जो 13th नंबर का क्रोमोसोम होगा उसमें चेंज आ जाने की वजह से क्या होता है? हमारा पटाओ सिंड्रोम होता है। और पटाओ सिंड्रोम में एक्चुअल में बीमारी कौन सी होती है? इसमें जो होते हैं जो लिप्स होते हैं, ऊपरी जो ओथ होता है वो क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, या फिर कट जाता है। जो लिप्स का ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है? कट जाता है। क्लियर है? तो टोटल हमारी क्या हो गई? ये गुणसूत्र से होने वाली, गुणसूत्र में परिवर्तन से होने वाला अनुवांशिक रोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारे डिसीज से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन कवर हो गया है, डिसीज टॉपिक कंप्लीट हो गया। लगभग हमने इसमें 108 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है।